Hello everyone. Today's topic is Kashmiri shawls, which is for the third semester students of fashion department. The subject is traditional Indian textiles. So in this presentation, we are going to learn about the history and marketing of Kashmiri shawls. Where is the origin of Kashmiri shawls, and what is the image of these shawls in the population? So let's start with the presentation. So first slide shows the introduction part of this presentation. Handcraft in Jammu and Kashmir present a fascinating spectrum of creative imagination. So Jammu and Kashmir जो कि ऐसा प्लेस है जहां से हमें हैंडीक्राफ्ट की जो कश्मीरी शॉल्स जिसमें कि हैंडक्राफ्ट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, उसके फैसिनेटिंग पार्ट और उसकी क्रिएटिविटी को हम इमेजिन करके, जो हैंडीक्राफ्ट में हम उसको इमेजिन करके प्रोड्यूस करते हैं, उसकी जो उसकी प्रोडक्शन है वो सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट होती है. इट इज अ कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्री विच डज नॉट रिक्वायर हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. सो इसकी प्रोडक्शन के लिए जो इंडस्ट्रीज का सेटअप चाहिए होता है वो लाइक डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ही चाहिए होती हैं, जिसके लिए कि ना कि हमें हैवी कैपिटल की जरूरत है और ना ही हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर की. सो बीइंग लेबर इंटेंसिव इन नेचर, सबसे ज्यादा मेहनत का काम है अगर हमें कश्मीरी शॉल्स को इनकी प्रोडक्शन करना है, इनमें हैंडक्राफ्ट को दिखाना है. द हैंडक्राफ्ट सेक्टर हैज हाई एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल. एज पर ऑफिशियल एस्टिमेट्स, हैंडक्राफ्ट सेक्टर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 3.78 लाख वर्कर्स इंगेज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ हैंडीक्राफ्ट एक्टिविटीज. अगर हम ऑफिशियल एस्टिमेट, ऑफिशियल स्टेटस को एनालिसिस करें तो हैंडीक्राफ्ट का जो सेक्टर है वो 3.78 लाख वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देता है, इसी काम में उनको इंगेज करता है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में. फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, दिस सेक्टर ऑक्यूपाइज अ प्रोमिनेंट प्लेस इन द इंडस्ट्री सीन ऑफ द स्टेट. अगर हम जम्मू जम्मू कश्मीर स्टेट की बात करें तो प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है. द हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन हैज गोन अप टू एन अमाउंट ऑफ 1650 करोड़ एट द एंड ऑफ द ईयर 2012 एंड 13. 2012 और 13 के सर्वे के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 16,500 करोड़ की जो इसकी प्रोडक्शन थी हैंडक्राफ्ट सेक्टर की, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में वो देखी गई है. तो अनदर स्लाइड शोज द हिस्ट्री ऑफ पश्मीना शॉल्स, और यू कैन से द कश्मीरी शॉल्स. अ शॉल means it's a Persian word which means shawl from Sanskrit, which is taken from the Sanskrit word shal, is a simple item of clothing which is considered as a simple clothing or simple item of clothing loosely worn over the shoulders. It can be worn over the shoulder like a shawl, upper body arms, cover your upper body arms, and sometimes also over the head, and sometimes you can also take it from your head or over the head. However, the founder of the cashmere wool industry is traditionally held to be in 15th century ruler of Kashmir, Zian-ul-Uddin, who introduced weavers from Central Asia. So, जो इसका ओरिजिन था वो ज़ियाम उल अबिदीन ने कश्मीर से किया था, जो कि सेंट्रल एशिया का मेन वीवर उस टाइम का माना जाता है, जिसने कि इसकी ओरिजिन किया, इसको फाउंड किया. तो कश्मीरी शॉल्स के जो अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है पश्मीना. द मेजोरिटी ऑफ वुलन फैब्रिक ऑफ कश्मीर एंड पर्टिकुलर द बेस्ट क्वालिटी शॉल्स वर एंड आर स्टिल मेड ऑफ पश्मीना, विच इज अ वूल ऑफ कापरा हिरकस, अ स्पीशियस ऑफ द वाइल्ड एशियन माउंटेन गोट. सो एज हम सबने सुना होगा कि पश्मीना इज द बेस्ट टाइप ऑफ कश्मीरी शॉल्स, और यू कैन से द प्योर वूल फैब्रिक इज यूज्ड इन कश्मीर शॉल्स. इट इज बेसिकली यू कैन से इट इज बेसिकली स्पीशियस द नेम एशियन माउंटेन गॉड, विच इज अवेलेबल ऑन द माउंटेन्स ऑफ एशिया, एंड द वूल फ्रॉम दिस गोट इज कॉल्ड कैप्रा हिरकस. सो कैप्रा हिरकस वूल नाम का एक कैप्रा हिरकस एक वूल टाइप है जो कि हमें
एशिया के माउंटेन पे जो गोट्स हैं उनसे अवेलेबल होता है, विच इज अ बेसिक टाइप फैब्रिक ऑफ पश्मीना शॉल्स, विच इज बेसिकली यूज्ड इन द पश्मीना शॉल्स. द एम्ब्रॉयडरी स्टिच एम्प्लॉयड इज रेदर लाइक द पैरेलल डार्निंग स्टिच एंड रेयरली अलाउड टू पेनिट्रेट द एंटायर फैब्रिक. सो पश्मीना शॉल और पश्मीना में जो वूल यूज किया जाता है उसको एम्बेलिश करने के लिए, उसके ऑर्नामेंटेशन के लिए जो जो स्टिच यूज किया जाता है दैट इज अ डार्निंग स्टिच. सो अनदर टाइप ऑफ दी शॉल आर दुशाला. द एम्परर अकबर वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ शॉल्स ऑफ कश्मीर. जो अकबर था, एम्परर था, वो कश्मीरी शॉल्स का सबसे ज्यादा, यू कैन से द जो उसको सबसे ज्यादा पॉपुलराइज करता था, जो जिसने सबसे ज्यादा यूज किया इस शॉल का, वो अकबर एम्परर था. इट वॉज हु बिगेन द फैशन ऑफ वेयरिंग दैम इन डुप्लीकेट स्विन बैक टू बैक सो दैट द अंडर सर्फिसेज ऑफ द शॉल्स वर नेवर सीन. सो अकबर ने, अगर हम फैशन के टर्म्स में, फैशन की टर्मिनोलॉजी में बात करें, तो अकबर था जिसने की शॉल को इस तरह से वेयर करना स्टार्ट किया कि जो कि एक फैशन सिंबल बन गया. लाइक शोल्डर से इसे लेके इसके बैक को सीन करके उसने एक पोंचो की तरह, या यू कैन से एक हैरम की तरह इसको यूज करना शुरू किया. ड्यूरिंग दैट टाइम द मोस्ट डिजायर्ड शॉल्स वर दोज वर्क्ड इन गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड्स और शॉल्स विद बॉर्डर ऑर्नामेंटेटेड विद फ्रिंजेस ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड सिल्क थ्रेड. जैसे जैसे टाइम निकलता गया तो इसी शॉल्स में डिजायरेबल काम थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू डिमांड इसको और ज्यादा हाईलाइट करना शुरू कर दिया गया. गोल्ड और सिल्वर थ्रेड का, वायर्स का यूज करना शुरू कर दिया गया. पश्मीना शॉल्स के बॉर्डर्स को ऑर्नामेंटेड करने के लिए, उनको हाईलाइट करने के लिए गोल्ड एंड सिल्वर की फ्रिंजेस निकालनी शुरू करती गई. दुशाला एज अ नेम डेजिग्नेट्स टू शॉल. दोशाला मीन्स जो दो शॉल्स को कंबाइन करके उनके फ्रंट एंड बैक को सीन के साथ अटैच करके जो दो शॉल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है पेयर, दैट इज कॉल्ड अ दुशाला. अनदर इज शातूश. शातूश द लेजेंडरी रिंग शॉल इज इनक्रेडिबल फॉर इट्स लाइटनेस, सॉफ्टनेस एंड वार्म्थ. सो शातूश जो पश्मीना शॉल्स का एक टाइप है, जो इसका फेमस, इसका जो यू कैन से इसकी जो क्वालिटी है वो ये है कि इसे चाहे हम एक रिंग में से निकाल लें, कि इतनी लाइट, सॉफ्ट और वार्म शॉल मानी गई है. द एस्ट्रोनॉमिकल प्राइज इज कमांड इन द मार्केट इज ड्यू टू द सेक्रेसिटी ऑफ रॉ मटीरियल. सो इट्स अ वेरी मच एक्सपेंसिव शॉल इन मार्केट. यान इज स्पन आइदर फ्रॉम शातूश अलोन और पश्मीना. सो शातूश शॉल बनाने के लिए या तो अकेले शातूश स्पन को, वूल को यूज किया जाता है उसके यान बना के, या फिर उसके साथ पश्मीना को, पश्मीना के कॉम्बिनेशन से यूज किया जाता है, ब्रिंगिंग डाउन द कॉस्ट समवट. अगर शातूश को पश्मीना के साथ कंबाइन करके यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो इसकी कॉस्ट को थोड़ा सा कम किया जा सकता है. इन द केस ऑफ प्योर शातूश देयर आर मेनी क्वालिटीज द यार्न कैन बी स्पन सो स्किलफुली एज टू रिजेंबल अ स्ट्रैंड और अ स्ट्रैंड ऑफ सिल्क. सो अनदर टाइप इज जमावर. It is said that shawls were famous from Kashmir even in the time of Emperor Ashok, but many writers credited Sultan Zainul Abidin as the initiator of shawl industry in Kashmir. So, अगर हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री में 3rd BC में जो अशोक एम्परर था, उससे उसने इन शॉल्स को, इनका ओरिजिन किया, इनको क्रेडिबिलिटी दी. बट अगर हम 1420 से 1470 AD की बात करें, तो सुल्तान जैन उल अबिदीन थे जो, जिनको इनका इन्वेंटर और इनिशिएटर, इन शॉल्स का इनिशिएटर माना गया, जिन्होंने शॉल इंडस्ट्री को कश्मीर में स्टार्ट किया. जमावर और ग्राउंड पीस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ शॉल मेड इन कश्मीर. जमा मीन्स रोब एंड वॉर इज यार्ड. तो जमावर जो है वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है. फर्स्ट इज जामा एंड अनदर इज वॉर. जामा मीन्स अ रोब, लाइक अ रोब जो कि हम ऊपर से वेयर करते हैं, लाइक अ गाउन. एंड वॉर मीन्स यार्ड, मतलब उसके लेंथ के, वो कितने मीटर लंबा है. टुडे द बेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव जामावर इज वोवन इन कश्मीर. तो मैथडोलॉजी, विच मैथडोलॉजी इज यूज इन दी शॉल्स. दे 3 districts ऑफ कश्मीर वैली जो कि इसमें फेमस है, वो 3 districts हैं, श्रीनगर, बुदगम एंड गंदेरबाल, वेयर शॉल मेकिंग इज मोर प्रिविलेंट वर सिलेक्टेड फॉर द स्टडी. आर्टिशियन इंक्लूडिंग बोथ स्पिनर एंड वीवर वर सिलेक्टेड फॉर द स्टडी.
As per the information gathered from the artisan, the traditional method of shawl making processing in Kashmir is divided into four broad heads. First is pre-spinning, means pre-spinning process of Kashmiri shawls, then spinning, then weaving and finishing. So what is the process of pre-spinning processing? So we need to harvest these shawls. Harvesting of the wool fiber for this shawl. The shawl is harvested during spring season. So main season is considered spring. When animal naturally shed their under coat, on the basis of weather condition and season, the goat start molting over a period from mid-March to late May. It is done manually by combining, as pashmina fibers are intermingled with coarse outer coat called guard's hairs. So the process of combining is followed by manual harvesting. So spring season ko iske liye sabse स्प्रिंग नेचुरल सीजन को सबसे बेस्ट माना गया है, जिस टाइम में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है. इस टाइम में गोट्स को अंडर शेड रख के जब उनके ऊपर प्रॉपर वूल आनी शुरू की हो जाती है, तो उसके बाद उनके जो हेयर्स हैं उनको कोरस हेयर्स को कट किया जाता है इसकी स्पिनिंग के लिए. सो इट्स अ प्री स्पिनिंग प्रोसेस. आफ्टर द सॉर्टिंग, sorting or dehairing means separation of undercoat pashmina from guard hair. इस प्रोसेस में सॉर्टिंग में जो गोट के ऊपर हेयर्स आ गए हैं उनको वहां से रिमूव करके सेपरेट किया जाता है. द सॉर्टिंग ऑफ पश्मीना इज डन मैन्युअली. ये टोटली मैन्युअली हैंड मैन्युअली प्रोसेस है, मोस्टली बाय वुमेन फोक. जो इसमें लेबर यूज किया जाता है मोस्टली थ्रू वुमेन्स ये किया जाता है. नाउ अ डेज एट सम प्लेसेस द प्रोसेस ऑफ मैनुअल डीहेयरिंग इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय मशीन डीहेयरिंग. सो जैसे कि अब टेक्निक थोड़ा सा टेक्निक में इम्प्रूव टेक्निकल प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो गई है. सो इस मैनुअल प्रोसेस को मशीन के थ्रू भी किया जाता है. अनदर इज ग्लोइंग. ग्लोइंग मीन्स एप्लीकेशन ऑफ ग्लोइंग मटीरियल टू पश्मीना. पश्मीना पे ग्लूइंग करना एक एडहेसिव की फॉर्म में एक उसका यू नो एक सरफेस रेडी करना, दैट इज कॉल्ड अ ग्लूइंग. दिस इज डन बाय अप्लाइंग पाउंडेड राइस. सो इसके लिए जो राइस की पीच होती है उसको यूज किया जाता है, उसको पश्मीना के ऊपर अप्लाई किया जाता है. द पश्मीना इज प्लेस्ड इन अ कंटेनर ओवर विच पाउंडेड पाउडर राइस इज स्प्रिंकल्ड एंड लेफ्ट ऑन पश्मीना फॉर नाइट और टू. एक या दो दिन के लिए उसको पाउंडेड पाउडर में राइस के पश्मीना को डाल के उसे छोड़ दिया जाता है. द पर्पस ऑफ ग्लोइंग इज टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मॉइस्चर एंड सॉफ्टनेस टू द फाइबर. इसका ग्लोइंग करने का मेन मोटिव फैब्रिक को पश्मीना फैब्रिक को स्ट्रेंथ देना, उसको मॉइस्चराइज करना और फैब्रिक के सर्फेस को सॉफ्ट करना होता है. For spinning, spinning converts continuous untwisted strand of fibers into required yarn count and twist. Suitable for further processing. So spinning से जो spinning is a continuous process जिसमें कि untwisted strands को fibers के untwisted strands को जितना कि हमें yarn count चाहिए उसमें convert किया जाता है. Then उसको twist जिस process में उसको twisting करनी है उस machines के through उसमें twist दिया जाता है. Traditionally spinning is being carried out on a spinning wheel termed yandar and charkha. जो पुराने टाइम में स्पिनिंग की जाती थी उसके लिए चरखा और यांदर यूज किया जाता था. इन दिस मेथड अ स्मॉल टफ थंब ऑफ पश्मीना इज हेल्ड बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड फिंगर ऑफ द लेफ्ट एंड सपोर्टेड बाय द थंब. सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग द पश्मीना इन ट्रेडिशनल टाइम. एज अ स्पिनर टर्न्स द व्हील विद हर लाइट हैंड राइट हैंड शी रेजेस एंड लोअर्स द हैंड होल्डिंग द फाइबर इन परफेक्ट हार्मनी टू द राइम ऑफ टर्निंग व्हील. दिस इज अ स्किलफुल ऑपरेशन. So another is weaving. Weaving is started with opening of the hanks on the large wooden stand locally called tanjur and is mounted on a wooden spindle termed as prich. This process is called yarun. About 1200 thread are stretched in this manner to form warp locally called yain, which is enough for 4 to 6 shawls. So finishing process, the washed fabric is now sent to Purzgar. Here the fabric is tweezed, clipped or brushed out the red it of any superficial flow on the surface. Washing, the fabric is now washed by washerman or dhobi who washes the fabric in running water by repeatedly striking it against a hard smooth surface or stone.
Then dyeing process, if the fabric needs to be dyed, it is sent to the dyer who dyes it as per the demand and requirement. So what is the strength of pashmina? Huge market potential, bahut zyada demand hai market mein, flexible production and design, cheap labor, suitable to climate condition, huge employment opportunity, foreign revenue generation, eco-friendly, needs less investment, export-oriented. So weakness, underdeveloped infrastructure, lacks global exposure, lack of customer feedback system, less interest among youth, confined mostly to rural areas, still old techniques prevail, low wage structure in handicrafts, unorganized sector. So another slide is opportunity for Pashmina shawls. Huge demand in both domestic as well as international market. Developed tourism industry of JK. E-commerce to channelize handicraft products of JK means Jammu and Kashmir. Handicraft products are also preferred by real estate players to add value in their business. Another is design sensibility. So what is the threats for Pashmina shawl are as follows. Stiff competition ahead. Deficit balance between supply and demand of Jammu and Kashmir handicrafts. Better technology support and research and development facility in competing countries. Translation of skill to next generation. Huge inflating rates of raw material. Introducing low skilled labor. So this is the presentation for the Pashmina shawls. I think you all will be understand the presentation very well. So thank you very much.